Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Dhumal. Exercise 3.3 आज start करेंगे, question number 1 to 6 तक करेंगे. कल की क्लास में हम लोगों ने divisibility rules सीखे थे, बस उन्ही rules को आज apply करके देखना है, apply करना सीखना है कि कैसे उन rules हम अपने questions में apply कर सकते हैं और without divide किए हम कैसे अपने answers को find out कर सकते. चलिए क्वेश्चन नंबर वन है. यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11. यानी कल की क्लास में जितने भी रूल सीखे थे सारे यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे, सारे रूल्स एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे और यहाँ क्वेश्चन में उनको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करके दे दिया है कि केवल यस और नो लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 990. तो 990 देखिए लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल है और 9 + 9 अगर हम करते हैं तो 18 होता है और 18 भी क्या है, 3 का मल्टीपल है. ठीक है, तो यहाँ भी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, यही रूल है ना. जब 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आता है, 90 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 8, 1 बच गया. अब 4 2 8, 2 बच गया. का मतलब ये जो 90 है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, 5 से तो हो जाएगा, 0 है. यस, क्या 6 से हो जाएगा भाई, 2 से भी है, 3 से भी है, तो 6 से भी है ना. अब क्या ये 8 से हो जाएगा, जब ये 4 से ही नहीं हो रहा तो 8 से तो मतलब ही नहीं है इसका होने का डिवाइड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नो. नेक्स्ट 9 से आप देखिए क्या इनको ऐड करने पर वो 9 का मल्टीपल बनता है, 9 2 9 + 9 होता है 18 और 9 2 18, इसका मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में 0 है तो 10 से भी हो जाएगा ना. और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि इवन ऑड लिखेंगे और प्लस करेंगे उसके बाद माइनस कर देंगे. तो हमने लिखा इवन ऑड इवन, 9 में से 9 को माइनस किया तो 0, इसका मतलब ये पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप लोग भी फास्ट कीजिए. 1586 बताइए, 2 से डिविजिबल है. ठीक है, क्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा, जल्दी से प्लस कीजिए. 5 + 1 6 6 और 6 12 12 में 8 प्लस किया तो 20, 3 से डिविजिबल नहीं है. लास्ट की 2 डिजिट देखिए, लास्ट की 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है, बताइए जल्दी से, क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, नहीं है ना. क्या लिखेंगे, नो. 5 से होगा, 6 है, नहीं होगा. 6 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 से डिविजिबल नहीं है ये डिजिट. 8 से डिवाइड होगी, जब 4 से ही डिवाइड नहीं है तो 8 से कैसे डिवाइड होगी, बताइए क्या 8 से डिवाइड होगी, जल्दी से बताइए, नहीं होगी. ठीक है, 9 से अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो इट मीन्स ये 9 का भी मल्टीपल नहीं है, है ना. चलिए अब 10 से जो नहीं है तो 10 से भी नहीं होगी. और 11 से बताइए जल्दी, 11 से होगी या नहीं होगी ये बताइए, आप जल्दी से बताइए, 11 से होगी नहीं होगी. 5 और 6 कितना होता है, 11, 8 + 1 9, 9 में 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर बस. नेक्स्ट वाला देखिए, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, बताओ जल्दी से, 3 से डिविजिबल है, नहीं है. 4 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है. ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है. 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 5 है. अब 6 से क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं है तो 6 से भी नहीं है, 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं है, अब 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, और बताइए क्या 11 से हो जाएगा भाई, 5 और 2 7 और 7 माइनस करेंगे, जल्दी से बताइए क्या 11 से हो जाएगा, हो जाएगा. ठीक है,
अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को इसके आगे घर पर सबको वन बाय वन करके देखना है। मैं जल्दी जल्दी मार्क लगा देती हूँ कि किसका कौन सा डिवाइड हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा। देखिए 6686 टू से डिविजिबल है, ये भी टू से डिविजिबल है, ये भी टू से डिविजिबल, ये भी टू से है, ये भी टू से है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए 3 से डिविजिबिलिटी रूल, फटाफट बताइए 3 से डिविजिबिलिटी रूल बताइए, इसका नहीं होगा। ठीक है, क्या इसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा, हो जाएगा इसके नेक्स्ट वाला जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 को देखिए, बताइए जल्दी से क्या 6686 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, बताइए होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और 3060 ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट है उससे डिवाइड नहीं होगी। अब 5 से देखिए, 6 है लास्ट में, 0 है हो जाएगा, 4 है लास्ट में नहीं होगा, 6 है नहीं होगा, 0 है हो जाएगा, 9 है तो। अब क्योंकि जो डिजिट 2 से डिवाइड नहीं है, जो डिजिट 3 से डिवाइड नहीं है, तो वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये वाली नहीं होगी। ये दोनों से है, ये हो जाएगी, ये भी दोनों से है, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी और ये। ठीक है, यहाँ देखिए 4 से ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये 4 से नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 8 से देखना पड़ेगा। 2856 बताइए, जल्दी से बताइए 2856 8 से डिविजिबल है कि बिल्कुल है। और के बाद वाली डिजिट क्या है, 3060 जल्दी से बताइए, नहीं होगी। और लास्ट वाली डिजिट वो भी नहीं होगी। ठीक है, अब आता है 9, चलिए 9 का बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या 6686 डिविजिबल है 9 से, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाली बताइए 639210 क्या डिविजिबल है 9 से, ये भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद वाली जो डिजिट है 429714 ये वाली बताइए क्या डिविजिबल हो जाएगी 9 से, हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2856 9 से डिविजिबल है, ये वाली नहीं है। ठीक है, और 3060 ये डिवाइड है और लास्ट वाली भी नहीं होगी। अब 10 से कौन सी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है 11 से बताइए, चलिए फटाफट से 11 का डिविजिबिलिटी रूल और लगाइए, जल्दी से बताइए भाई। फर्स्ट वाली नहीं हुई थी, सेकंड हो गई, थर्ड वाली नहीं हुई थी, फोर्थ हो गई, फिफ्थ वाली क्या हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, बताइए जल्दी से, सिक्स्थ वाली हो जाएगी, हो जाएगी ना, और इसके बाद कोई भी डिजिट 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मैंने बहुत फास्ट किया है, लेकिन आप लोग घर पे एक एक क्वेश्चन में रूल्स लगाकर और तब उसको फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है मेरे से यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई हो, तो उस मिस्टेक को आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग करेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। अब बताना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और ये बताना है कौन कौन सी डिजिट 4 से और 8 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, 72 डिवाइड करते हैं 4 पंजा 4, ठीक है 3 बचा, 8 की टेबल में कितना, 4 की टेबल में कितने टाइम्स में 32 आता है,
8 टाइम्स में, का मतलब 4 से डिविजिबल है ये, आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, पूरी की पूरी टेबल को ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं ओनली, तो बताइए चेक करके जल्दी से क्या डिवाइड हो जाएगी, आप लोग कीजिए डिवाइड और मुझे बताइए क्या डिवाइड हो जाएगी, लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। नेक्स्ट वाली डिजिट देखिए 52, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 वन जा 4, 1 बचा 4, 3 जा 12, यानी 4 से डिविजिबल है ना, लिख देते हैं 4 से डिविजिबल है और 8 का डिविजिबिलिटी 3, 5, 2, चेक कीजिए, एट फोर जा 32, ये बच गया 8, 4 जा 32, यानी 8 से भी डिविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, लास्ट में 20 है, तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगी लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट वाले आप देखिए, लास्ट में यहाँ पर कितने जीरो हैं, 30, इसका मतलब 8 से तो डिवाइड हो जाएगी लेकिन 4 से बताइए क्या डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जल्दी से बताइए। देखिए जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल था उसमें था लास्ट में 20 होनी चाहिए, तो हम 3 को तो देखेंगे ही नहीं, हमें क्या पता उससे पहले क्या लिखा है, हम तो केवल ये 2 डिजिट देखेंगे। भैया हमारे पास 20 हैं, इट मींस 4 से डिविजिबल है, इसके बाद का नंबर हमें नहीं मालूम, वो चाहे सारी जीरो लिखी हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, हमें क्या देखना है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल केवल 20 देखनी है, 8 के डिविजिबिलिटी रूल में केवल 30 देखनी है, तो यहाँ पर 20 भी अवेलेबल है, यहाँ पर 30 भी अवेलेबल है, इट मीन्स दोनों की दोनों 8 से और 4 से ये डिजिट पूरी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट वाला बताइए, चलिए 59, लास्ट में क्या है 59, इट मीन्स लास्ट में जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये जो 59 है ये डिविजिबल नहीं है, क्या होगा, 4 से नहीं होगा, और क्योंकि ऑड नंबर है और 8 की टेबल में भी ऑड नंबर नहीं आता तो ये 8 से भी नहीं होगा, ठीक है। इस वाले को देखिए, 60 को डिवाइड करते हैं, 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20, 4 से तो ये डिवाइड हो गया, 8 से चेक कर लेते हैं, 560 डिवाइडेड बाय 8, हो गया भाई, है ना, जीरो लिखेंगे यहाँ लिख देंगे तो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, समझ में आई बात, केवल डिविजिबिलिटी रूल हम लोग लगा रहे हैं ना, डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोगों को लर्न है तो केवल उन्हीं रूल्स को हम लोग यहाँ पर ट्राई कर कर देख रहे हैं, रूल्स को हम लोग यहाँ अप्लाई करके देख रहे हैं, अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं ये डिजिट्स तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसीलिए आपको पहले रूल्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, बाद आप लोग डायरेक्ट कर पाएंगे इनको, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, लास्ट की 2 डिजिट है और 8 से, 8 की टेबल में 84 डिवाइड हो जाएगा, देख लेते हैं, 8 बन जाए 8, अब 4 तो बच गया, नहीं होगा तो 8 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ देखिए 72 डिवाइड करते हैं 4 से, 4 बन जा 4, 3 और 2, 4 8 जा 2, तो 4 से तो डिविजिबल है, 8 से चेक करेंगे, 8 की टेबल में क्या डिजिट आ जाएगी, यानी 072 को डिवाइड करना है 8 से, भाई ये तो जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद 7 में डिवाइड करके देखेंगे, नहीं जाएगा तो 72 ले लेंगे, अब क्या होगा 8, 9 जा 72, ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब 8 से भी डिवाइड है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट वाला देखिए 1700, लास्ट में 20 है, 4 से डिवाइड है, क्या 8 से डिवाइड है, बताइए क्या 8 से डिवाइड है, जल्दी से बताइए,
लास्ट की जो थ्री डिजिट्स है वो 8 से डिवाइड नहीं होंगी भाई, 700 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा, ठीक है, 8 से डिवाइड ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखिए 2150, लास्ट की टू डिजिट लीजिए, आप देख लीजिए क्या 4 से डिवाइड है, 4 1 4 1 10 नहीं होगा, तो 4 से भी नहीं है। और 150 अगर लास्ट की थ्री डिजिट लेते हैं तो जो 150 है वो 8 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए 8 से भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ठीक है, चलिए चले फिर आगे चले। यहाँ क्या रूल लगाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, तो 6 के रूल के लिए हमें 2 और 3 का रूल यहाँ पर पहले अप्लाई करके देखना होगा, अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी डिजिट 6 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है, अब 3 से चेक कर लेते हैं, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 ये हो गया 11, ठीक है, और इसको मिलाकर 12 में 4 प्लस किया तो 16 में 4 प्लस किया तो 20 और ये बन गया 27 और 27 3 की टेबल में आता है तो 3 से हो जाएगा ये, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। देखेंगे क्या, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 हैंस इट इज डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है इसीलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ये, 3 से चेक कर लेते हैं, 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 8 16 और 16 तो 3 की टेबल में नहीं आता है ना, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये जो टेबल है, ये जो हमारे पास डिजिट है, ये 6 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट वाला देखिए 2 से नहीं हो रहा, ठीक है, तो नहीं हो रहा तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 6, यहाँ पर भी ऑड नंबर है, यहाँ पर भी सीधा लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड नहीं है, अगर 2 से ही डिवाइड नहीं है तो 3 से चेक करके हम करेंगे क्या, हम 3 से चेक ही नहीं करेंगे, है ना, बताइए क्लास कैसी लग रही है, सबसे पहले तो बता दीजिए फटाफट, अगर क्लास वाकई पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन भी दबाइए ना, और क्लास को मेरी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ये ऐसा होता है सब्सक्राइब का बटन, आप नीचे वीडियो के नीचे यहाँ पर रेड कलर का बटन देखेंगे, उस हाँ लिखा होगा सब्सक्राइब, ठीक है, वो लाल है जल्दी से उसको ब्लैक कर दीजिए, वो रेड है उसको ब्लैक कर दीजिए फटाफट, और ये है लोगो, अगर आप चाहते हैं हमें फॉलो करना, अगर आपको क्लासेस वाकई पसंद आ रही हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी तरीके का चार्ज यहाँ नहीं देना है, पूरी की पूरी क्लासेस आपको फ्री दी जाएंगी, अगर आप वाकई चाहते हैं हमें फॉलो करना तो श्वेता क्लासेस डालकर और इस लोगो से आप यूट्यूब चैनल पर हमें सर्च कर सकते हैं, श्वेता क्लासेस के बाद अगर आप मैथ्स डाल देंगे तो डायरेक्ट मेरा ही चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, चलिए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है या कुछ क्वेरी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। नेक्स्ट चलिए, अब बताना है क्या ये डिविजिबल है, देखिए 2 से तो डिविजिबल है, अब 3 से चेक कर लेते हैं, 9 + 1 10 10 + 3 क्या होता है 13 13 + 5 18 18 + 2 20 हो गया, क्या होगा 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है इसीलिए 6 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला ये भी 2 से है, 3 से चेक करते हैं, 4 + 3 7 7 + 8 3 15 + 5 20 20 + 7 27 27 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है इसीलिए ये 6 डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा, बताइए जल्दी से समझ में आ रही है सभी को, हाँ जी बताइए फटाफट फटाफट बताइए,
नेक्स्ट है 7179084, क्या ये वाली डिजिट 2 से डिविजिबल है? हाँ है, 3 से है, चेक करना पड़ेगा। 7 + 1 = 8 और 8 + 8 = 16, 16 + 4 = 20, 20 + 9 = 29 और + 1 = 30। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे 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 क्यों प्लस करती हूँ, तो बच्चे प्लस करने का ये सबसे इजी मेथड है कि आप अपनी डिजिट को राउंड ऑफ में चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है? आप अपनी डिजिट को राउंड ऑफ में चेंज करने की कोशिश करें जब आप प्लस कर रहे हो, तो आपको प्लस करने में बहुत आसानी होगी। जैसे अगर आप यहाँ करोगे 7 + 8 = 7 + 1 = 8 + 1 = 9, तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जब आप बिल्कुल राउंड ऑफ में पहुंच जाओगे, भाई 7 + 1 = 8 हो गया, 8 + 8 = 16 होता है, 16 + 4 = 20 हो जाता है, 20 में 9 प्लस किया तो 29 हो गया, और 1 प्लस कर दिया तो 30 हो गया। तो देखा कितना इजी हो जाता है प्लस करना। ये जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में डिजिट्स दी हुई हैं आप वही सीक्वेंस फॉलो करो। हमने पढ़ा था ना, जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां क्या पढ़ा था हमने, हमने वहां सीखा था कि हम किसी भी ग्रुप में कैसे भी अपनी डिजिट्स को प्लस कर सकते हैं, उन्हें राउंड ऑफ में चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा आंसर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है? हमारा आंसर वही रहता है, चाहे हम किसी को भी पहले प्लस करें या किसी को भी बाद में प्लस करें। चलिए अब सम को करते हैं, तो 6 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट 1 to 5 8 3, 2 से डिविजिबल नहीं है, आगे चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है? बस लिख देंगे यहाँ पर 0 है, 2 से तो डिविजिबल है, 3 से चेक करते हैं। देखिए 6 + 3 = 9, 9 2 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 1 = 21, और ये 3 की टेबल में आता है ना, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर भी 2 है, 2 से डिविजिबल है, 3 से देख लेते हैं, 7 + 1 = 8, 8 + 8 = 16, 16 में 2 प्लस किया तो 18, अब 18 में 5 प्लस कर दीजिए 23, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है? चल क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें फिर से एक बार याद करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इवन ऑड याद होगा ना, इवन ऑड करते हैं ना, वही यहाँ पर भी करना है, इवन ऑड, इन ऑड। 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9, माइनस किया तो 0, तो डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 7। यहाँ पर भी करेंगे इवन ऑड, इवन ऑड, इवन को एक साथ प्लस कर लेंगे, ऑड को एक साथ प्लस कर लेंगे, 8 + 4 = 12, 12 में प्लस किया 13, 2 माइनस कर दो क्या बचा 11, में 11 आ गया, इसका मतलब डिविजिबल बाय 11। यही था ना 11 का रूल कि माइनस करने पर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है थोड़ा सा टफ है, बाकी डिविजिबिलिटी से थोड़ा सा टफ है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम प्लस पहले करेंगे या माइनस पहले करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना है पहले इवन ऑड को प्लस कर लेना है, जब उनका सम आ जाएगा तब उस सम में से हमें दूसरे सम को माइनस करना है, यानी पहले प्लस वाला प्रोसीजर फिर उसके बाद माइनस वाला प्रोसीजर, प्लस माइनस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, इवन ऑड, इन ऑड, इवन क्या है 7 + 3 + 9 + 5 और 1 + 8 + 6, चलिए प्लस कीजिए 7 + 3 = 10, 10 में 9 प्लस किया तो 19 और 19 में 5 प्लस किया तो 24, यहाँ पर क्या होगा 14 और ये 15, और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए, बताइए 9 बचेगा, और ये 9 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, ये
क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट वाला थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है थोड़ा सा फास्ट करते हैं। चलिए बताइए क्या डिवाइड हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4, 7 + 1 + 9 + 0। आगे क्या करना है, 0 + 6 + 3 + 8, प्लस कीजिए 10 और ये 17, और ये हो गया 9। 9 में 8 प्लस करेंगे तो 9 × 2 = 18 होता है, 1 प्लस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए जाएगा 17 हो जाएगा ना। 8 7 + 6 = 17, अब माइनस किया तो 0 डिविजिबल बाय 11। इसी तरीके से ये जो सम्स हैं, ये दोनों सम आप लोग होमवर्क में करेंगे। मैं केवल आपको इतना बता दे रही हूँ कि ये डिवाइड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको केवल इतना बताऊंगी कि ये डिवाइड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ये वाला हो जाएगा और दूसरा वाला ये भी हो जाएगा। अब आप रूल लगाकर ये देखेंगे कि वाकई डिवाइड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क, 2 sums आपको करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर इज फॉर्मड इज डिविजिबल बाय 3। यानी ये जो ब्लैंक स्पेस दी हुई है, इस ब्लैंक स्पेस में या तो छोटा या तो बड़ा कोई भी ऐसी डिजिट लिखनी है आपको, कि उसको लिखने के बाद ये पूरी की पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलिए लिखें, बताइए कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इन डिजिट्स का सम कर लेंगे, 6 + 7 + 2 + 4, 4 + 2 = 6, 6 + 6 = 12, और 12 में 7 प्लस किया तो 19। क्या 19 3 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर 19 में 1 प्लस करते हैं तो 20 हो जाता है ना। अगर 19 में 2 प्लस करते हैं तो 21 हो जाता है। का मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो ये डिजिट 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। और अगर मुझसे ये बोला जाए कि ग्रेटेस्ट डिजिट आप क्या लोगे, ग्रेटेस्ट डिजिट आप क्या लोगे कि ये डिवाइड हो जाए, तो देखिए अगर मैं इसमें 3 प्लस करती हूँ तो 22 आता है, 4 प्लस करने पर 23 आता है, 5 प्लस करने पर 24 आता है, ये भी हो जाएगा। और आगे क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है, 1 डिजिट लेनी है तो ग्रेटेस्ट लेंगे, 6 प्लस करने पर 25 हो जाएगा, 7 प्लस करने पर 26 हो जाएगा, और 8 प्लस करने पर 27 हो जाएगा। तो ये जो 8 है, ये हमारी सिंगल डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट है, जिसको हम यहाँ रख देंगे तो ये पूरी की पूरी डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पर एक और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम 8 और 2 दोनों को रख सकते हैं, यानी 2 स्मॉलेस्ट है, 8 ग्रेटेस्ट है, ठीक है। अब ये जो हमारी डिजिट है ये डिवाइड हो जाएंगी 3 से। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, सबको प्लस कर लीजिए, पहले सारी डिजिट्स को प्लस कर लीजिए। ये 10 हो गया, 17 हो गया, 17 में 2 प्लस किया तो 19 हो गया, 19 में 5 प्लस किया तो 24 हो गया, ठीक है। अब ये तो डिविजिबल है भाई, अगर इसमें मैं प्लस 1 करूं तो 25 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर इसमें 2 प्लस करूं तो 26, 3 प्लस करूं तो 27, यानी जो स्मॉलेस्ट डिजिट आएगी वो तो आएगी 3, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट डिजिट क्या लिखी जाए, 1 डिजिट की ग्रेटेस्ट डिजिट क्या लिखी जाए कि ये पूरी की पूरी जो डिजिट है वो डिवाइड हो जाए, किससे बताइए, किससे। यहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं भाई, स्मॉलेस्ट डिजिट में हम यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो 24 प्लस
जीरो इज इक्वल टू 24, तो हमारी स्मॉलेस्ट तो आ गई जीरो। अब हमें ग्रेटेस्ट बनानी है, बताइए क्या ले सकते हैं। अगर इस डिजिट में यानी 24 में अगर 9 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 10, 11, 12, 13 और 33। और ये जो 33 है ये भी तो डिविजिबल है 3 से, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 9 भी, यानी स्मॉलेस्ट आ गई हमारी 0, ग्रेटेस्ट आ गई हमारी 9। नेक्स्ट वाला देखिए, 9 plus 9 18, 18 में 2 प्लस किया तो 20, 20 में 8 प्लस किया तो 28 और 28 में 3 प्लस किया तो 31 में क्या प्लस करें, 31 में 2 प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट डिजिट 33 है, सॉरी 2। अब ग्रेटेस्ट और पता करनी है तो क्या करेंगे, 31 में प्लस करके देखेंगे तो प्लस करें भाई, अगर 3 को प्लस करते हैं तो क्या बनता है 4, 4 को प्लस करते हैं तो 35, 36, 37, 38, 39 क्या प्लस करने पर 39 आया, 5, 6, 7, 8 प्लस करने पर 39 आ गया। अगर 9 प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये जो 40 है ये डिवाइड नहीं इसे, तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट हमें मिली वो क्या मिल गई, वो हमें इसके लिए मिल गई 8। ठीक है, समझ में आया, क्या मिल गई, वो मिल गई हमको 8। अपनी बात क्लियर है सबको, बताओ भाई जल्दी, अपनी बात क्लियर है सबको। अच्छा यहाँ तो क्वेश्चन भाई चेंज हो गया, यहाँ 11 को करना है, ठीक है 11 को करना है, इसको नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हम इसमें क्या प्लस करें, ब्लैंक स्पेस में क्या प्लस करें जो दी गई डिजिट है ये 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्या प्लस करें देख लेते हैं, हम इवन ऑड करते हैं, इवन ऑड। ठीक है, अब इवन इवन की जगह पर क्या लिख लेंगे बताइए, इवन इवन को हम एक जगह प्लस कर लेंगे, 9 प्लस जहां कुछ नहीं है वहां पर x लिख लीजिए प्लस 8 इज इक्वल टू 2 plus 3 plus 9, प्लस कीजिए 8 2 16 और 8 17 प्लस x इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 14 14। अब x निकालने के लिए 17 में से 14 को माइनस करेंगे, क्या 17 में से 14 को माइनस कर देंगे सीधा तो क्या आ जाएगा 3, बताइए क्या मैं सही लिख रही हूँ, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो 3 आया है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी हमने x की वैल्यू निकाली है, ये इसकी वैल्यू निकाली है हमने, x की वैल्यू निकाली है, जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम x की वैल्यू को वहां पर पुट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए नेक्स्ट और करते हैं, इसे भी आप लोग एक बार देखिए। इवन ऑड, इवन ऑड, इवन एंड ऑड, इवन इवन वाली प्लेस को प्लस करेंगे, ठीक है इक्वल टू ऑड वाली प्लेस को जहां पर कुछ नहीं है वहां पर x प्लस 4 प्लस 4 8 2 16 तीन में 9 प्लस करेंगे कितना बनेगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हो गया x प्लस 8। अब 8 को दूसरी साइड ले जाइए, x इज इक्वल टू 25 माइनस 8, ठीक है माइनस कीजिए आप जल्दी से, क्या आया 17। अब आप मुझे ये बताइए
17 यहाँ पर आ रहा है तो क्या पॉसिबल है हम यहाँ पर दो डिजिट लिख सकते हैं, बताइए क्या पॉसिबल है हम यहाँ पर दो डिजिट लिख सकते हैं? हम यहाँ पर दो डिजिट नहीं लिख सकते ना, हम यहाँ पर केवल सिंगल डिजिट ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इस 17 को, इस 17 को हम 11 पर माइनस कर देंगे, यानी हमें वन डिजिट चाहिए। 17 हम लिख नहीं सकते, और ये जो डिविजिबिलिटी रूल हम लगा रहे हैं वो किस में लगा रहे हैं, 11 में। तो हम क्या करेंगे, 17 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या डिजिट रह जाएगी, 6 रह जाएगी। यानी इस प्लेस पर हम 6 को अब रख सकते हैं। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमने क्या किया, इवन ऑड किया, जहां पर कोई वैल्यू नहीं थी वहां पर एक्स लिखा, x की वैल्यू निकाल ली, 17 आ गई। क्योंकि हम बीच में कहीं पर भी टू डिजिट नहीं ले सकते, हम स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट ओनली वन डिजिट ले सकते, और 17 टू डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, हम 17 में से 11 को फिर से माइनस कर देंगे, और जो आंसर हमारा आएगा उसको हम वहां पर प्लेस कर, ठीक है? समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर हो गया क्वेश्चन? बताइए जल्दी से क्लियर हो गया है अगर, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन नहीं दबाया है तो फटाफट से दबा दीजिए, ठीक है? और वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों के लिए ये वीडियोस कितनी हेल्पफुल हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।